थाम ले बंद कर दा कर एकदम तेल फूका। ओ भाई मेरे साले का तो वो काम हो रहा भाई, वो टेम्पो वाले नहीं कमा कर जिस तरह नवे शहर में चले जा कर निरी दूर ना केड़ी ला के लावा। तो भाई अपना यम्मा शोरूम में जाने की तैयारी है, वो इसना चेक करेंगे या ना करेंगे। वैसे तो कह दिया करा भाई दूसरे की माँ थोड़ी ना दूध पिलाया करे, KTM बाइक ले रहे यार यम्मा के शोरूम पे जान लग रहे। लेट्स सी भाइयों हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो भाई हो आप? थारा भाई तो बिल्कुल मस्त है, कूल है और ठीक है भाई एकदम से। आई होप कि आप भी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, क्योंकि मौसम ही इतना बढ़िया हो रहा है भाई। कई दिन आते घर वाले नु बोल रहे थे भाई AC की सर्विस करा दे यार, मैं भी इतना आलसी वर्ड भरया भाई बंदा हूं ना, नु सोच रहा था करा देंगे बट भगवान ने मेरी ऐसी सुनी भाई। ओ बेशक या दो एक दिन वास्ता तो मौसम देखो भाई बड़ा लाजवाब और जबरदस्त हो रहा है। तो मैं बताया भाई कुदरत का AC चल रहा है भाई बाहर, मजा रहा है, बिल्कुल बढ़िया मौसम हो रहा है। तो आज का सीन भाई ऐसा है, कुछ थारा भाई जो बाइक लेके आया था उसकी गेड़ी मार कहेंगे भाई, दो दिन तेन ही खड़ी लेकर जाएंगे भाई मार्केट में। अंधी में टूट गई अंखा बंद कर कावा नू, अब बहुत तेज उसमें टूट गई इतनी सारी अंबिया। इन सारी अंबियों का बनेगा अचार, सुखा अचार बनेगा। ये भी पहले अंधी आई थी तो उसमें जो टूटी थी अंबियों का अचार बनाने थोड़ी बहुत लग रही थी टेबल पर, उम्मत इतनी तो चढ़ी गई सारी ने। रोटी होगी तैयार भाई यार, क्या क्या बने दोपहर के लंच में, ये होगी क्या लुक्की की कड़ी रोटी चावल और सैलड भाई। तो जल्दी से भाई अपना लंच कर लें और लंच करके मिलते हैं आपको जल्दी से। लंच हो गया और आज भाई शक्कर चावल ले लिए थारे भाई ने, नहीं तो थोड़े से जरूर खाओ क्योंकि आप खैर की तली चीज भाई पहली कैलरी ज्यादा रखी। तो अब भाई वेट हो रही है अथरव की बस आ गई, तो अथरव ने रिसीव करके भाई फिर जाएंगे अपना KTM लेकर मार्केट में। और घर वालों की बड़ी वैसी प्रतिक्रिया रही बाइक के रिगार्डिंग, और इस कैमरे को भाई अभी मैं थोड़ा सा छुपो दू और आपको भी दिखाऊंगा की क्या प्रतिक्रिया वाइफर की भाई KTM के उसमें है। तो भाई कैमरा रख दें, अभी कोई नहीं आया पर देखे हैं भाई क्या रिएक्शन है। बाजार में लेकर जाऊंगा मोटरसाइकिल बाइक KTM। हम किस को जाएंगे इसको बैठ कर, हम किस को बैठ नहीं सकते। थारे बट बैठने वास्ते तो पहले खड़ी है हमें है नहीं। नहीं जी मैंने आप तो कोई तो बुलेट ले लो। कौन थी ना बुलेट ले लो, मैंने बुलेट इतना बड़ा लोहा पात्र यार, ये लोहे की ये लकड़ी की है। चलो ये तो एक बंदे की भी तो ना, बुलेट का क्या वो करेंगे, बुलेट वहां ले आएंगे साले की, वो नहीं ले जाएंगे साले की ले आओगे। हां जी मैंने आपसे कहा था बुलेट ले लो जब तक आपने कहते तुम यहां जुंसी लोगे इतनी खड़ियां अगर मत दो तीन बंदे आए पांच छह साधन हो गए मैं तो चल मैंने वीडियो बना दो। हेलो दोस्तों, तो भाइयों कैसे हो? बड़ा हैरान ही हो तो भाई अथरव ने लेके आ जा जल्दी से, अथरव की बस का टाइम हो गया। और अभी भाई अपना बिजली भाग के आई और बिजली ना भाई कर रखे बहुत दुखी क्योंकि अंधी आ जा आजकल, तो ओधी भी भरती भाई और टंकी भी भरती भाई ताकि पानी की दिक्कत ना हो। तो जल्दी से चला भाई अथरव ने लेने, अथरव भी भाई जाने दे पहले उन्होंने कह के जवा का जब पापा मैंने लेना आ गया तो KTM पर लेना ही है, एक्टिव पर नहीं जाना चाहता भाई यार, ऊपर बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता भाई। कमाल हो गया आज तो अथरव मेरे से पहले घर पहुंच गया और नू पता नहीं किसकी गल आया कुछ नहीं, तो घर जाके देखेंगे भाई की घर से फोन आया कि अथरव तो घर है गया। अथरव आ गए आप किसके साथ? भाग के तुने आया स्कूल में थे? पैदल आया था स्कूल में। तो भाई फाइनली अथरव तो पहुंच गया घर पे और अब लेकर जाएंगे भाई आपने KTM पे मार्केट में। अथरव आ गए यही? नो अथरव आप ही रहोगे, पटाई हो जाएगी, इतनी एक्साइटमेंट है भाई अथरव ना KTM पर बैठने की। डांसी तरह तो दिखाते सब देख लेंगे बेटे, पर ऊपर नच रहा। तो अथरव ना भाई बातों में लगाया का बैला फुसलाया का ऐसा रखेंगे या यार मैं जाऊंगा भाई मार्केट में पर इसे। हाँ जी बच्चों के ना मां बनाने मुझे ब्लॉग के छिड़ाए थे उसको डॉगी को। अच्छा तो भाई अथरव तो मुझे कई बार कहता कि पापा मैंने डॉगी लेना बट नहीं बेटा क्योंकि भाई तुझे पता ना माँ जी और बाबा जी का पता, हाँ संभाल लेगा तो तेरी पटाही हो जाएगी। सुन गया तो भाई अथरव तो कवा का डोगी होना चाहिए पर भाई ये डंगर बंद रहे तो ये चोच ले तो शहर वालों के काम होगा ना बेटे, शहर वाले रखा करा चेंज कर कोई। तो भाई फाइनली अपना रेडियो के और अथरव को भी बेला फुसला के भाई मैंने अपना सुला दिया है और अब जा भाई मार्केट में। और मार्केट में जाने का मेन मकसद क्या है कि भाई मैं सोच रहा कि मार्केट में अपना KTM को दिखा दूं भाई एक बार, जो एजेंसी है यहाँ पर और मैंने ऑनलाइन नंबर अपना सर्च भी किया था भाई एजेंसी का, तो मुझे नहीं लगता भाई मेरा साले से मेरी बात हुई वो कह रहे कि KTM की यहाँ पर एजेंसी नहीं है, तो एक बार जाकर देख ला भाई थोड़ा सा इसमें जो काम कराने का है काम जो है मुझे इसकी चैन थोड़ा सा लूज लग रही
और सीधा एजेंसी में जाएंगे भाई, एक बार थोड़ा सा चेकअप भी करा लें, थोड़ा सा मन की सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी, थोड़ा सा भाई इसकी साफ सफाई करता पहले। दूसरी एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई अभी KTM पर ना जैसे हेलमेट पे लगाने के लिए माउंट हो गए या फिर माइक हो गया, वो भी सारे भाई ने ऑर्डर कर रखे, अभी आए नहीं भाई, वो ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए हैं, लगभग 2-4 दिन में वो भी आ जाएंगे, फिर बड़ा स्वाद आगा भाई, मज़ा आगा, वीडियो बने करेगी बढ़िया, हमारे भी लेकर जाएंगे भाई। अभी तो जो है ना टाइम पास करने के लिए ऐसे ही लेकर जाने पड़ेगा भाई आपको, देसी तरीके से। फर्स्ट देखो भाई कितनी चमकी, क्योंकि आंधी आई, 2-3 दिन हुए तूफान भी आ रहा भाई, यार गड्डी खड़ी रहा भाई बाहर ही, तो थोड़ा सा पानी मार देंगे अभी, ज़्यादा तो सफाई नहीं करा भाई, लेट हो जाएंगे नहीं तो, क्योंकि टाइम हो गया भाई 5 बजने पहले। सर्विस पॉइंट है या नहीं यमुनानगर में, एजेंसी तो कोई है नहीं, तो अपना चलते हैं भाई। भाई टीवल पे पहुंच गए यहाँ पर, बापू ने बता दिया था एक छोटा सा काम, तो पहले वो फिनिश करके फिर सीधा जाके भाई अपने साले के पास, क्योंकि साले ना सारी नॉलेज है भाई इसकी, KTM की, इसकी इन फुकरी बाइकों की भाई, मन्ना तो पता नहीं है इतना ज्यादा, तो अपने साले ना लेकर जाएंगे भाई अपना सर्विस पॉइंट पर, यहाँ है या नहीं है वो जाके देखेंगे भाई, कभी सर्विस कराने के लिए बाहर ना जाना पड़ा भाई, क्योंकि एक बहुत बड़ा समस्या रहा भाई हमारे लिए। तो बिल कुछ गंदा क्या पड़ रहा है, तो भाई फाइनली अपना अरब लेकर जाएगा भाई मिस्त्री पर, अभी हाँ या नहीं देखेंगे जाएगा। मैं पकड़ लस्सी तुम्हारा पूरा ऐस ले रहा, दोपहर में पड़े बारिश ने बनवा लिया, स्मार्ट LED है, तो कितने का रिचार्ज है इसका? 707 का, मतलब 707 का, इंग्लिश बोल रहा भाई पूरी पराठेदार स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं, मेरी वीडियो भी चल जा, लेकर रखा वही चल जा भाई, मरी भी वीडियो जल्दी से चलने का प्लान है, और टाइम हो गया 5:30-6 बजने भी आ रहे भाई, तो कहाँ लेकर जा रहे हो? सर्विस सेंटर चलेंगे पहले, तो सर्विस सेंटर है यहाँ, KTM का तो नहीं है, तो दूसरे लोकल मिस्त्री पर बैठा कर जाएगा भाई, इसके चोचलों के चक्कर में भी देख लो करेगा KTM का, मैंने तो पहले नहीं पता थी KTM का यहाँ पर सर्विस सेंटर नहीं है, देखेंगे भाई कहाँ जाएंगे, कहाँ लेकर जाएगा, नहीं छोड़न क्या होगा था ना, पर टेम्पो में बैठा दूंगा, पर दे और क्या मंदिर ही है भाई, चलने लग रहे अभी सीधा यम्मा के शोरूम पे है, हेलमेट उड़ ले भाई यार, चलान ना कटवा दिया मेरा, कभी इतना अपना भूख रहा, ऊपर बैठना पड़ेगा, गुल्ली हिल उठ जा, वजन भी ठीक ठाक हो रहा, बैठ जू फिर इन्ना जरूर उड़ कर रखिए बस, तो भाई पीछा बैठ कर तो ऐसी फीलिंग आ रही जिस तरह मैं कोठे पर बैठे हूँ ऊपर। चलो भाई ले भगवान का नाम और कर अपनी यात्रा शुरू। कितने किलोमीटर है? मिल गया था यहाँ से आदमी के लास्ट का हो भारत का मिल गया दिए इसका, यही फोटो फाटा तो पहले करेंगे, फिर तो ज़्यादा तेल भी नहीं फूकना पड़ने का भाई, पूरी देर काम चल जाए करेगा। ऐसी बाइकों पर ना जो पुलिस वालों ना फंस गए ना, ये पकड़ लिए 2-4 डंडे तो फालतू मारेंगे वे, पक्की बात आया, पर ध्यान से चलना पड़ेगा भाई। और नियरली भाई अपना यम्मा के शोरूम में जा रहे यार, पहुँचने वाले हैं वहाँ पर, पीछा बैठो भाई, ऐसी फीलिंग है रही बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई की, बहुत ऊंचे में लग रहा है, पूरी हवा लग रही सर सर। भाई मेरे साले का तो वो काम हो रहा भाई, वो टेम्पो वाले नहीं कमा करा जिस तरह नवे शहर में चले जा करा, निरी दूर ना गेड़ी ला कर लाया, निरी दूर ना गेड़ी मार कर लेकर आया करा भाई, तो यो भी निरी दूर ना लेकर आया गेड़ी मारते हैं। चल भाई कर स्टार्ट, तो भाई अभी मिस्त्री देखते बात हुई थी, वो कह रहे कि यहाँ पर तो नहीं करते सर्विस भाई, हम लेकर चलना पड़ेगा भाई यम्मा के शोरूम पे, वहाँ पर देखेंगे चैन टाइट हो जाए भाई, थोड़ा बहुत चेकिंग भी हो जाएगी वहीं पर गड्डी की। चल भाई चलागा फिर तो, यहाँ पंगे हुआ भाई इन पर गूगल पर देख कर चलना पड़ रहा है, कहाँ पर इसका क्या डलेगा, कहाँ पर इसना देखेगा कोई, हम तो हाथ ही खड़े करता भाई देख दो ही। चल भाई बांध तो लिया थी, बिजते खराक भी देनी पड़ेगी, तो भाई अपना यम्मा शोरूम में जाने की तैयारी है, यम्मा शोरूम देखते हैं वो इसना चेक करेंगे या ना करेंगे, वैसे तो क्या करेगा भाई, दूसरे की माँ थोड़ी ना दूध पिलाया करा, KTM बाइक ले रहे यार यम्मा के शोरूम पर जान लग रहे, कर देंगे चेक, लेट सी भाई, थाम ले बंद कर दा कर एकदम तेल फूका, चढ़ जाओ बस जैसा भी है। अच्छा ऊपर खड़ी भाई का, हम नीचा देखते फिर रहे, यम्मा इसका तो लाइट ही नहीं है अगर इतनी सी चला था काम, FZX मना कर रहे भाई चैन का काम नहीं होने का, हर जाएगा मिस्त्री ने करा बात, क्लीनर तो साफ हो जाएगी है। लो भाई अपना फाइनली चैन का काम था ना क्लीनर का, वो करा लिया भाई, और सेटिस्फाई है
ठीक है भाई, सेटिस्फाई है। और तो भाई ने एडवाइस दी भाई कि जो भी काम कराना तो वो एजेंसी से करवाना, बाहर न चढ़वा दियो बिल्कुल भी। इन क्या खिलागा मित्ते, पार्टी पुल्टी तो दे दे, नहीं चला रहा तो मैं तो पैसे बुक बैठे। और भाई जो सर्विस स्टेशन है ना KTM का, वो है अपना यमुनानगर से 50 किलोमीटर दूर अम्बाला भाई, चंडीगढ़ और करनाल। नेक्स्ट टाइम भाई जाएंगे वहाँ भी, जो एक बार चेकअप कराने के लिए जरूर जाएंगे भाई, वहाँ पर भी घूमाएंगे आप भाई, यहाँ दिखाएंगे। इतना मेरे अमाउंट भी आ जाएगा, इतना सारा सौदा पत्ता भी आ जाएगा भाई। चलने लग रहे भाई मार्केट में, देखा और सीध क्या खिलागा भाई। भाई साला नहीं दे रहा बिल्कुल भी भाई, कहूँ कह रहा कहा जुजू लेंदर आप पिछा बैठ रहा मखा भाई, फिर तेल भी तो ही पा कर इसमें जो जुजू देने में तो बैठने तैयार हूँ। भी थोड़ी देर पहले भाई अथर्व वर्गा भी फोन आया, कह रहा पापा चिज्जी ले खड़ा चाउमीन रिस्पा ले जाने में भी भाई बहुत दिक्कत है, किस तरह तो पकड़ कर ले जाएंगे किस तरह नहीं भाई, देखते हैं भाई। तो साले ना सबसे पहले ड्रॉप करता है इसके घर पर, मैं तो कह रहा था भाई टेम्पो में बैठ कर चले जा, 10 रुपए लगेंगे मैं दे दूँ भाई, इसे छोड़ कर फिर चलते हैं अपना घर की तरफ और मार्केट में लेंगे भाई चिज्जी। भाई घर पहुंच गए और घर वाले भी नहीं सोच रहे होंगे कि जैसा इसका साला है इसका जी चढ़ गया अंदर जा रहे है ना। तो मैं तेना गाली दवा दी अपने चक्कर में, मैं तो शरीफ शराब सा बंदा भाई यार, इनके चक्करों में आएगा फंसता जा रहा। 2.5 घंटे लग गए इस प्रोसेस में भाई, 7:15 बजने पे रहे और चलते हैं भाई सीधा घर। इसमें तो भाई कोई सामान भी नहीं ले जा सकते, तो मिलते हैं भाई आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों, लव यू। आज खाली हाथ नहीं जा सकता, एक्चुअली मैंने खाई है भाई आज तली चीज़ें, ब्रेड पकौड़ा खाया हुआ है, तो घर वालों वास्ता थरोवर वास्ता जरूर लेकर जाना पड़ेगा भाई।